Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. So alright guys, welcome back to my channel, my new video. So guys, मैंने ना सोचा कि मैं खेतलाबा पे रुकूंगा, पर वो खेतलाबा भी सुबह सुबह बंद है. सो कोई नहीं, वो वहाँ पर रुकने का रीज़न एक ही था, खाली मेरे को कॉफ़ी पीता और फिर चलता मैं. ठीक है, तो अभी मैंने सोचा ये VR मॉल पे मैं रुका हूँ. और मैं सोचा ये जो आप देख रहे हो, ये फ्लैग कहाँ गया, झंडा कहाँ गया, उतार दिया कि कहाँ गया, मतलब इतना खाली खाली कैसा दिख रहा है ये. चलो भाई आगे चलते, आगे बात करते हैं अभी. पहुंच गया, पहुंचने में मेरे को कम से कम यहाँ पे 40-50 मिनट लग गए. क्यों लगे, उसके पीछे दो कारण हैं. पहला कारण तो ये है कि मुझे बीच में कोई मिल गया था, तो उससे मैं बात करने लग गया. और सेकंड ये है कि मैं ना रास्ता ही भूल गया. हाँ, मैं सीरियसली बीच में एक आधी गली यहाँ हो गया मैं, क्योंकि 3 महीने बाद आया हूँ गाइस. मैं गाड़ी 3 महीने बाद निकाली मत थी अपनी एक्टिवा. सो अब क्या करूँ, मैं भी भूल गया, मतलब एक आधी गली इधर उधर हो गया था, क्योंकि डुमस ही ऐसा, क्योंकि इतनी सारी गली, इतनी सारी झाड़ी जंकट है. सो ऑफकोर्स घूम ही जाते अपने. सो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं. बाकी पानी दिखाता हूँ आपको, पानी एकदम भी नहीं है. देखो एकदम बोलते हैं खाली पड़ा है. यहाँ पे लोग हैं, थोड़े बहुत काम कर रहे हैं अपना, बट इतना कुछ खास है भी नहीं. मेरे को लगा सुबह सुबह लोग नहीं होंगे, पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे. कुछ लोग वहाँ पे खेल रहे, कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे. बाकी ये देखो अभी मैं ऐसे जंगल और ये झाड़ियों के बीच में लेके जाऊँ तो आपको बहुत कुछ दिखने मिल जाएगा. समझ रहे हो ना क्या दिखने मिल जाएगा. सो वही, और मुझे नहीं लगता आगे जाना चाहिए, मुझे बहुत कीचड़ होगा क्योंकि मैं चप्पल पहनी. तो चप्पल अगर धस गई तो मैं भी धस जाऊंगा अंदर, और गंदा होना नहीं मुझे, क्योंकि बाद में ये सब लाइट लाइट कपड़े पहने हैं मैंने. और मम्मी बाद में आपको पता है कैसी होती है हमारी, या तो कपड़े धुलाने बिठा देगी या सुतान होगी. चलो बहुत बात हो गई, ये सब छोड़ो. ये देखो मिट्टी नीचे गिली, दिखाता हूँ एक मिनट को.
गाइस एक बात मैं बोलूँगा, मतलब यहाँ पे आके जो मतलब जो मेरे को माइंड में फ्रेश है और जो शांति मिली है ना, मैं वीडियो में आपको बता नहीं सकता, ना मैं अपने मन में हो रहा वो बता नहीं सकता। मतलब लिटरली देखो कोई नहीं, इतनी शांति है, इतनी मस्त हवा आ रही है, पानी है, कहाँ भी है। और मतलब समझो 3 महीने बाद मैं निकला हूँ घर से, और निकला हूँ तो खाली मैं किसी चीज़ को, अच्छा एक बात और बोल दूँ मैं ना, आप बोलोगे लॉकडाउन में कहाँ निकल गया बाहर, सो गाइस मैं निकला हूँ ना, सो मैं अभी तक किसी चीज़ को छुई भी नहीं, अपना ट्राइपॉड माइक और ये एक्टिवा को ये छुआ है मैंने, और किसी चीज़ को मैंने छुआ भी नहीं है। और निकला हूँ तो ये मास्क आप देख ही सकते हो, बांध लेता हूँ, बात करता हूँ तब निकाल देता हूँ, बाकी ऐसे रहता है। और बस और क्या है, मतलब कोई है नहीं तो किसको छूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग आप देख ही सकते हो। इसलिए मैंने सुबह का टाइम छूना, क्योंकि सुबह सुबह कोई होता नहीं है, सो अपना काम हो भी जाएगा और ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, जैसे लोग आ रहे हो देखो वहाँ पे कहीं लोग हैं, मैं यहाँ पे आके रुका हूँ। सो अभी देखता हूँ कुछ और है दिखाने को, नहीं तो फिर मैं भी छोड़ दे बैठता हूँ, निकलते अपने। चलो गाइस थोड़ी सी मेहनत की जाए। गाइस लिटरली तो बहुत फिस चल रहा है। कहीं पानी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस गंदगी है। पता नहीं गंदगी क्यों करते, क्या मजा आती है, बट कोई नहीं, उनकी मर्जी, अपने क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बैठूंगा, मेरे को बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए मुझे नहीं पता, बट वो सही से जगह भी नहीं दिख रही बैठने की। फाइनली बैठ गया, वो देखो थोड़े से दिखा देना तो देखो, देखे कुछ ना कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, बस ये देख लो गाइस कुछ भी नहीं है यार, पानी बिल्कुल भी नहीं रहा। दूर जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखो मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा, हाँ गाड़ी खुद ही चल रही है। मैं कुछ भी नहीं कर, अपना आप गाड़ी चल रही है। ऑल राइट गाइस, मुँह की तो देखो आप बैंड बच गई, धूल मिट्टी हो गई। सो गाइस अब मैं फाइनली, अब ये चामुंडा मतलब खेतलापा खुल गया, सो वही कॉफ़ी और कुछ ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा था भी नहीं। और प्लीज़ गाइस मेरा मुँह मत देखना, बहुत मैसी हो गया, मिट्टी ऑयली हो गया, ठीक है। सो मैं ये बोल रहा था कि अभी कुछ वहाँ पे ज़्यादा था भी नहीं, खाली लोग थे, साइकिलिंग कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे लोग, बस ऐसे फ़ोटो खींचवा रहे थे। सो मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर कर भी नहीं पाया, कुछ ज़्यादा है भी नहीं, तो मैं एक्सप्लोर भी क्या करता, ठीक है। और ऐसे झाड़ी झंकड़ में जाता तो कुछ ना कुछ दिख ही जाता, और थोड़ा अंदर और डीपली देखता तो मिल जाता, बट इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आया था। बाकी नेक्स्ट टाइम आऊँगा जब और अच्छे से ढूंढा के एकदम अच्छे से देखूंगा बाद में। एक बार ये तो एग्जांपल ऐसे मैंने सोचा, 3 महीने हो गए नीचे नहीं उतरा, तो आज मैं उतर गया। और ये कुछ एक बात और है, हाँ धूप आ गई,
तो गाइस मैं ये बोल रहा था, एक मिनट। सो गाइस आई वाज सेइंग दैट मैं सुबह सुबह 7 बजे निकलने की ट्राई की थी, पर 7:30 हो गई थी। और एक बात बोलूँ आपको, मेरे को घर वालों को पता नहीं मैं यहाँ पे बाहर निकला, ठीक है? तो घर वालों को पता नहीं मैं यहाँ पे बाहर गया हूँ, उनको लगता है खाली नीचे गया हूँ। सो अगर उनको पता चल गया और अगर ये वीडियो देखा उनने, तो मेरी पक्का सुतान होगी और पक्का मैटर हो जाएगा। तो कोई नहीं, वीडियो देखेंगे तो समझ जाएगी मैं ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, खाली घूम के आया हूँ। और एक बात और, ये बादल, कभी बादल आ रहे, कभी कुछ हो रहा है, मौसम बदल रहा है, मेरे को बारिश होगी। अगर बारिश हो जाती तो लग जाता बराबर के, क्योंकि एक तो अभी मेरी सही कंडीशन में नहीं है और मेरे पास भी कोई रेनकोट या ऐसे कोई कवर नहीं जो मैं अपने आप को कवर कर लेता बारिश से। एंड सेकंड बस इतना ही यार, मैं अभी बोल नहीं पा रहा क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत थकान हो रही है, इसीलिए बाकी ये चीज़ दिखाता है। सो गाइस ये खेतला पर है, मतलब वो जो अंकल दिख रहे हैं ना, वहाँ पर बैठने की जगह है, मतलब वहाँ पर अपने मेरे ये सब सीन देख के अच्छा तो लग रहा है, पर याद भी आ रही है। मतलब ऐसे एक टाइम पे पबजी खेला करते थे, यहाँ पे बैठ के एक कॉफ़ी या जो चाय पीते थे वो चाय पीता करते थे, कुछ ना कुछ हुआ करता था यहाँ पे, और यानी टाइम खुला रहता, मतलब 24 घंटे। बट अभी उनका सीन ऐसा हो गया कि सुबह 7 बजे खोलते हैं, 9 बजे तक बंद कर देते। आई डोंट नो व्हाई, कोविड के चक्कर में। और ये देखो कांच की ग्लास से कभी ये इस पर आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, अभी लोग दिखते भी नहीं है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ बस वीडियो यहाँ पे एंड कर दूँ, और कुछ है नहीं, अभी बस घर चला जाऊँगा, नहा धो के फ्रेश होके कुछ वही काम करूँगा। सो आई एम, अगर आप, मुझे पता है इतना कुछ खास व्लॉग था नहीं, बट क्योंकि कुछ था ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे। सो आई एम सो सॉरी फॉर, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा हो तो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार देना, बाकी कमेंट कर देना आपको क्या चेंजेस चाहिए थे और क्या, मतलब कैसा कैसा नहीं, जो भी है। सो बस, और हाँ एक चीज़ बोलता हूँ आपको, मैंने जब गाड़ी निकाली ना अपनी एक्टिवा, तब मुझे लगा पेट्रोल है, बट मैं इतना अंधा था और नींद में था कि मेरे को पता ही नहीं पेट्रोल है, और अभी भी कांटा ई के एकदम सोया हुआ है। सो अभी देखता हूँ भरा देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में देखा जाएगा। सो अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, जाना मत, ये वीडियो के एंड में देखना छोटा सा है। चली गई बेचारा, एक भी ऐसा पार्ट नहीं है, ये भी निकल गया है, वो भी गया है। सो एक्टिव वाला सेल्फ तो चला गया है, बट अब इसको स्टार्ट करने का एक ही तरीका है, प्लीज़ इसको आप ऐसा मत लेना कि एक्टिवा ऐसा है कि ऐसा क्यों है, जो भी नहीं। अब गाइस देखा आपने मेरी गाड़ी का सेल्फ चल नहीं रहा, तो आपको भी पता है मेरे को भी अब कैसे चालू करना पड़ेगा इसको। एक चीज़ दिखाता हूँ, खाली गाड़ी ऑन है, ठीक है, मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया, अभी देखें। प्लीज इस पर हंसना बताइए, इस पर कुछ ऐसे उल्टा मीन मत लेना, बस ये समझ लेना गाड़ी मेरी गई और हाथ पूरे टेंस हो गए मेरे और फेस तो गया मेरा। कोई नहीं, अभी घर पे जाके बस हाथ पाथ होते और आ...